नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अनंतनाद की इस सीरीज कलाकार से मुलाकात में। अनंतनाद हमारे आंतरिक ऊर्जा की ध्वनि है, यह हमारी आत्मा का ईश्वर से संवाद है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने अनंतनाद चैनल की शुरुआत की जुलाई मंथ में, जिसमें हम हमारी आत्मा की आवाज को आप सभी ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं। इसकी सीरीज के अंतर्गत हम हर वेंसडे और सैटरडेज को कुछ वीडियोस पोस्ट करते हैं, जो कि या तो मौसम या त्योहार या उस दिन आने वाले कुछ स्पेशल डेज को डिनोट करता है। हाय एवरीवन, कलाकार से मुलाकात एक स्पेशल सीरीज है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कुछ आर्टिस्ट को आपसे मिलवाने के लिए। इस पेंडेमिक, इस कोरोना के टाइम में हम लाइव परफॉर्मेंसेस बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं, और इसी कारण हमने एक शुरुआत की आपको, ऑडियंस को, उन कलाकारों से मिलवाने के लिए। इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड हम पिछले सैटरडे को ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे हमारे यूट्यूब चैनल या इंस्टा हैंडल पर जाकर देख सकते हैं। उस एपिसोड में हम मिले थे एक इमेंसली टैलेंटेड और एक अपकमिंग आर्टिस्ट ऐश्वर्य आर्य से। आई गेस मेरी साउंड क्लियर नहीं आ रही है, मैं फोन थोड़ा सा पास में रख लेती हूँ। नाउ इट इज क्लियर आई गेस। तो मैं आपको बता रही थी कि हमारे एपिसोड वन में हम एक इमेंसली टैलेंटेड पखावज आर्टिस्ट से मिले थे, जिनका नाम है ऐश्वर्य आर्य जी। आप उस एपिसोड को हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे इंस्टा हैंडल पर जाकर फिर से देख सकते हैं, अगर आपने वो मिस किया है तो। आज का हमारा विषय या सब्जेक्ट है सूफिज्म या फिर सूफी कथक। सूफी शब्द दरअसल सूफ शब्द से बना है, जो कि एक बिना रंग का ऊन से बना हुआ लबादा होता है, जिसे कुछ संत, फकीर या इस तरह के लोग पहनते हैं। सूफिज्म दरअसल एक निराकार ईश्वर की आराधना है। जब आंखें बंद कर कर ये लोग अपनी आयतें गाते हैं, तो ना सिर्फ इसमें कबीर की वाणी होती है, बल्कि मीरा के भजन भी होते हैं। यानी कि ये एक कड़ी है हिंदुइज्म और मुस्लिम कम्युनिटी या फिर उनके रिलीजन को जोड़ने का एक बीच का मार्ग, जिसमें हम निराकार ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। आजकल के इस प्रेजेंट टाइम में जो सूफी कथक है, वो सूफी म्यूजिक एक्चुअली इंस्पायर्ड है कुछ सूफी पोएट्स से, जैसे कि बुल्ले शाह, अमीर खुसरो एक्सेट्रा, और कुछ कंटेम्प्ररी आर्टिस्ट लाइक आबिदा परवीन एंड द ग्रेट म्यूजिक मैस्ट्रो ए आर रहमान खुद इस म्यूजिक को फॉलो कर रहे हैं और इसे दुनिया तक ले जा रहे हैं। कव्वाली इज द बेस्ट नोन फॉर्म ऑफ द सूफी म्यूजिक। जैसे कि हम जानते हैं कि कंटेम्प्रेरी टाइम में हर चीज को एक एक्सपेरिमेंटेशन, एक रेवोल्यूशनाइजेशन की जरूरत है, और कथक भी इससे अछूता नहीं है। अगर हम अपनी कोरियोग्राफीज, अपने म्यूजिक में कुछ बदलाव या कुछ एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे, तो हम उसको इस प्रेजेंट जेनरेशन से जोड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए कथक में एक नए एक्सपेरिमेंट का नाम है सूफी कथक। सूफी कथक एक म्यूजिक फॉर्म है जो कि कथक को सूफिज्म से कनेक्ट करता है, और इसके बारे में हम जानने के लिए आज मिलेंगे हमारी एक्सपर्ट से। आज के आर्टिस्ट के बारे में आपको बताना चाहूंगी। शी इज अ वेरी यंग एंड इमेंसली टैलेंटेड डांसर, जिन्होंने कथक की एक पारंपरिक प्रस्तुति में कुछ नया लाने की कोशिश की है, और उसी नई चीज का नाम है सूफी कथक। शी इज नॉट ओनली एन इमेंसली टैलेंटेड अमेजिंग डांसर, बट शी इज एन एक्सेप्शनली टैलेंटेड डिजाइनर ऑल्सो, हु ओन्स हर ओन ब्रांड नेम, ओन डिजाइन नेम। और आज हम मिलेंगे इन्हीं से। तो हम मिलते हैं हमारी आज की आर्टिस्ट मिस श्रुति मिश्रा से। हेलो, हाय, कैन यू हियर नाउ कैन यू मी? हियर मी? कैन या आई यू कैन हियर हियर मी यू। नाउ? या फाइनली, सॉरी, आई थिंक देयर वाज सम नेटवर्क ग्लिच। या आई नो दीज थिंग्स ऑलवेज हैपन। तो श्रुति, हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, एंड वी फॉर सीरियसली श्योर। वांट टू सी यू परफॉर्म राइट नाउ। एवरीबॉडी इज ओके वेटिंग फॉर यू, ओके, सो लेट्स डन। सी यू परफॉर्म एंड सम जस्ट रॉक द स्टेज। ओके, थैंक यू सो मच। इफ आई डू एनी मिस्टेक, प्लीज उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। नो नो नो, इट्स ओके, प्लीज प्लीज स्टार्ट, इट्स ऑल योर्स नाउ। ओ,
I'm so sorry, there was some network issue. It's no problem. Let's talk first and then we'll see your performance, or you want to continue? Whatever you like. Okay, I think let's talk first and then we'll see you. I just want to see a full performance. Okay, yeah, tell me. Okay, so Shruti, sabse pehle hamare viewers is actually Sufi Kathak. And why did you do it? By leaving a normal or a routine Kathak and switching to Sufi Kathak. So what is actually Sufi Kathak? Technical issues, guys. Her internet is not working properly. These things happen a lot. Okay, she's gone again. Let's add her one more time. Where are you, Shruti? Okay. I'm adding her once more. Network. Hello? Yes. Can you hear me now? Yes, I can. Yes, tell me. So what is Sufi Kathak? We just want to know it from you. Okay. For me, Sufism is all about giving life to God. मतलब मैंने जब सूफीज्म समझा था, मेरा पर्सपेक्टिव बहुत अलग था. मुझे रेगुलर कथक नहीं समझ आ रहा था. मतलब आई वाज नॉट एंजॉयिंग इट विद इन इट. तो टू लुक फॉर अ एस्केप कि मैं कैसे अपने डांस को और एंजॉय कर सकूं. तो मैंने सूफीज्म खूब अच्छे से फॉलो करना पड़ा. 90s के किड्स समझ सकते हैं हमारे टाइम पे आतिफ असलम, सारत सिंगिंग, उस टाइम पे आबिदा बहुत फेमस हो गई थी. तो उस समय मुझे लगा कि यही एक चीज है जो मुझे कथक को और इम्प्रोवाइज कर सकती है मेरे डांस को. एंड दैट्स हाउ सूफिज्म केम. इट इज मोर लाइक अ मेडिटेशन टू मी. आई डोंट नो फॉर अदर्स, फॉर मी इट्स मोर अबाउट अ मेडिटेशन. ओके. एंड एवरीबॉडी ऑफ अस नोज दैट यू आर एन एक्सेप्शनली टैलेंटेड डिजाइनर आल्सो. सो व्हाई, हाउ दीस टू फील्ड्स गो टुगेदर? लाइक समटाइम्स यू आर अ डांसर, समटाइम्स यू आर अ डिजाइनर, एंड व्हाई डू यू चूज डिजाइनिंग ओवर डांसिंग, और डज योर डांस इंस्पायर यू? नो, आई डोंट चूज एनीथिंग ओवर एनीथिंग. देयर आर टू डिफरेंट पार्ट्स, देयर आर टू आर्टिस्टिक थिंग. मैं बहुत आर्ट क्रिएटिव बच्ची थी बचपन से ही, और मुझे आर्ट में बहुत इंटरेस्ट था. तो मैं 6-7 साल की थी जब मैंने डांस करना शुरू कर दिया था. बट ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन डेज आई वॉज लुकिंग फॉर मोर ऑप्शन ऑफ स्टडीज, नॉट स्टडिंग अ रेगुलर सब्जेक्ट. एंड बचपन से ही मैं अपने कपड़े कॉस्ट्यूम्स खुद बनाती थी, खुद डिसाइड करती थी. बॉलीवुड मूवी से इंस्पिरेशन लेती थी, कोई मैगजीन से इंस्पिरेशन लेती. सो इवन कथक, आई मीन माई कॉस्ट्यूम्स वर नॉट लाइक बोरिंग कथक कॉस्ट्यूम. दे हैड डिफरेंट कलर, दे हैड डिफरेंट पैलेट्स. मे बी पीपल हैव सीन मी वेयरिंग वाइट. आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू वेयर वाइट्स एंड ब्लैक्स एंड यू नो न्यूट्रल कलर्स एंड न्यूड कलर्स. तो वहां से मुझे इंक्लिनेशन आया कि try designing, and that's how I did my master's in designing. And rest is history. And you have a diploma from London also in designing. Yes, we have heard about that also. I went to study London College of Fashion. I did my fashion styling course from there. The experience was beautiful. Okay. Yes, I did my okay.
या वी कैन हेयर यू. हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? या वी कैन. हाँ, सो मैंने अपना डिप्लोमा कोर्स. ओके, that's so nice to hear. An immensely talented girl in working creatively in all the fields. Acha Shruti, ek baat main personally puchna chahti hu aapse. It's my own question that hamare ghar mein jab bhi koi bada bhai behan hota hai, we try to idolize her. Jaise ki mera koi bada bhai hoga to I will try to follow ki jo wo kar raha hai main exactly wo karu. We all know that your sister has represented India in the Commonwealth Games. She is a world known squash player aur abhi she is the coach of the Indian National Junior Squash Team. इतना बड़ा फिगर इज इन योर हाउस, अ सेलिब्रिटी इज इन योर हाउस, जिनकी खुद की एक अकेडमी है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई यू डिड नॉट फॉलो स्पोर्ट्स एंड डिफरेंट फील्ड डांस. एंड माय सेकंड कनेक्टेड क्वेश्चन टू दिस इज, ओके, सो आई हैव अ स्टोरी बिहाइंड इट इज कि मेरी मॉम चाहती थी कि सुरभि डांस सीखे. सुरभि को डांस okay. भेजा था, बट उसका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था. And then I got into dancing. उसके टीचर घर पे आते थे और उनसे मुझे डांस में इंटरेस्ट आ गया. And then my mom thought कि चलो इसको डांस सिखाते हैं अगर बड़ी वाली नहीं खेल. Okay. And what is it like to live under her shadow? Like if you have a celebrity in your home, you people try to compare it, or you she is a kind of supporter to you? No, doesn't know. We don't compare. Okay. So your parents support both of you equally, and she yes, is also yes. very supportive. My parents support really, really well. Both of us, हमारे बहुत balance है दोनों घरों को, मतलब दोनों sisters में. And Surbhi बहुत ही supporting sister है, बहुत अच्छी है in that way कि वो एक guardian की तरह मुझे guide करती है, एक mentor है. वो ज़्यादा exposed है लोगों से, चीज़ों से. She started traveling when she was just 13 years old. Yeah. तो उसको दुनिया ज्यादा पता है. शी हैज अ बिगर पिक्चर. हम तो बहुत कुकून में रहते थे, तो उसने बहुत चीजों में मुझे गाइड किया. व्हेन इट केम टू डांसिंग, व्हेन इट केम टू स्टडीज, व्हेन इट केम टू कमिंग बैक टू जयपुर एंड स्टार्टेड वर्किंग एंड स्टिल कंटिन्यू डांसिंग एंड टीचिंग. तो सुबह बहुत चीजों में मुझे हेल्प करती है. एंड शी इज जस्ट लाइक माई एल्डर सिस्टर, एंड लाइक नॉट जस्ट लाइक एल्डर सिस्टर, बट शी इज जस्ट मोर लाइक माई मदर टू. ओके, दैट्स सो नाइस टू हियर एंड सो इंस्पायरिंग ऑल्सो. Okay, yes, one more question is, how do you see yourself, how do you find yourself after 5 years, a dancer or a famous designer? Hello? Hello, can you hear me? Yeah, should I repeat my question? Yes, please do. Okay, where do you find yourself standing after 5 years? 5 saal baad aap kahan hain as a famous performer or an a successful designer? I feel ki main apne aap ko ek achhi dancer, as a good teacher, because I started teaching. So I don't want to see myself as a good performer, but maybe a good teacher. I want to create this art with more of the people. Main aur artist create karna chahti hu, with art ko badhana chahti hu. So वो मेरा ज्यादा एम है डांस को लेके. दैट पीपल शुड नो अबाउट सूफिज्म, दे शुड नो अबाउट सूफी कथक, दे शुड नो अबाउट वेयर दिस डांस विल बी, बिकॉज पीपल थिंक कथक कथक होता है, उसके फॉर्म्स उसके को नहीं समझ आते, स्पेशली द न्यू जनरेशन. तो मुझे कथक को उस तरीके से प्रेजेंट करना है. एंड एज अ डिजाइनर, यस, आई विल कीप मेकिंग क्लोथ्स एंड लेट्स सी वेयर लाइफ टेक्स अस. सो ओके, दैट्स सो ग्रेट. श्रुति हैज डिजाइंड माय, शी हैज एक्चुअली स्टाइल्ड मी फॉर टू हर. Okay, so my last question to you is, Shruti, can the audience wants to know your famous choreographies or something you have done in the Sufi Kathak and also in the designing world, some famous of your things. Okay, my famous would be ki jab main Hardam perform karne gayi thi, I wanted people to youth to you know, connect with Kathak. So while my graduation days, I started going to big fests like with Pilani, IIT Delhi, IIT Kanpur. वहाँ जाके मैं परफॉर्म करने लगी थी. एंड मैं ओपन कैटेगरी में सूफी कथक को परफॉर्म करती थी, यू नो, बीटिंग, बीट बॉक्सिंग, कंटेम्प्रेरी डांसिंग, बैले डांसिंग. वहाँ मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला. पीपल स्टार्टेड प्रेजिंग सूफीज्म, पीपल स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग सूफीज्म. वहाँ से आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल हु वांटेड टू लर्न सूफी कथक एंड वांटेड टू नो व्हाट फ्यूजन कथक इज. So I would say that going to BITS Pilani, Oasis, I had one IIT Delhi, I had one IIT Kanpur. So all these places where I had one,
was my best of the time for Sufism because jab youth connect karne lagta hai, that's the biggest thing because wo hai jo hamari next generation ko pass on karenge. Okay, my father has sent me a question that will you be teaching Sufi Kathak to the youngsters in future or are you yes, teaching I am them doing that. I have started doing that. Mere sare students jo mere paas aate hain, they start getting understanding. Okay. Yes. That's so nice. So yes. Shruti, it was very nice hearing to you. Thanks for coming on Anantnath. और हम आपकी एक uninterrupted performance देखना चाहेंगे. Maybe you can turn the camera to the back camera so we can get a wider angle. And I just don't want audience आपके और मेरे audience और आपके बीच में आना. So just we just want to see you one full performance. Maybe you can turn the camera. That will give you a better view. Let's see that. Okay, guys. So while Shruti is setting her camera, हम उनके एक अनइंटरप्टेड और एक शानदार परफॉर्मेंस देखना चाहेंगे. मैं एज अ व्यूअर एंड एज अ ऑडियंस माई सेल्फ आई हैव सीन अ परफॉर्मिंग सो मेनी टाइम्स एंड वेन एवर शी डांसेस यू जस्ट कांट ब्लिंक योर आईज. सो लेट्स सी हर परफॉर्मिंग वंस मोर. Oh my God, I have no words for it. It was just amazing, outstanding, and you are just so immensely.
Okay, Shruti, it was just brilliant. You are just brilliant in this wing. Very nice. Thank you, Very, our thank you. audience is just showering the love on you. It was very nice. So thank you so much for being with us. I hope you Thank you so enjoyed much, Shrutika. performing Oh, I loved also. it. Thank you. Okay, thank you, Congratulations Shruti, to for you being all with us. and the team. May you go places. Thank you. Thank you so much. Okay. Okay. Bye. Good night. Bye-bye. This श्रुति मिश्रा फॉर अस शी हैज परफॉर्म टू ब्यूटिफुल सॉन्ग्स और आपको आई होप ये बहुत अच्छा लगा होगा. आपके कमेंट्स से मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छा लग रहा है. इस परफॉर्मेंस के बाद भी आप हमको कमेंट्स कर सकते हैं. अनंतनाथ को फॉलो करते रहिए, अपना प्यार ऐसे ही हमें देते रहिए. यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं अनंतनाथ. इंस्टाग्राम पे भी हम हैं और फेसबुक पे हम लाइव हैं ही. कलाकार से मुलाकात की सीरीज हर शनिवार को जारी रहेगी. नमस्कार.